नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रीमियम डीके को ऑटोमेटेड एक्सेल शीट में कैसे किया जाए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप एक प्रीमियम डीके को कैसे ऑटोमेट किया जाए, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो काफ़ी मेहनत करके आज हमने आप लोगों के लिए एक्सेल क्रिएट किए हैं। 3 हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस को लेना होगा, कॉल और पुट के। तो यहाँ पर हमने अपने एक्सेल में देखिए, यहाँ पर हमने 3 हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे निकाल कर रखे हुए, कॉल का भी है और यहाँ पे पुट का भी है। तो अगर आप लोगों को ये निकालना नहीं आता है तो आप लोगों के लिए हमने एक वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जा करके ऑप्शन चेन क्रिएट एक्सेल वाले प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे हाईएस्ट 3 ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस को कैसे निकालें इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जा करके और देख करके इसे निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों को जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है ये एक सीक्वेंस नंबर में नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा जिससे सीक्वेंस नंबर में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे लार्ज का फार्मूला इक्वल टू LARGE। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर पुट का लेना होगा, तो यहाँ पर आएँगे ऑप्शन डैशबोर्ड में और यहाँ पर पुट के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करके और इसे लॉक कर देंगे, कामा देंगे। कामा देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 3 large 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। फिर हम लोग इसे ड्रैग करके इधर लेकर आएंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे कॉल कर लेना है, तो यहाँ पे फिर वही लार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू लार्ज और फिर ऑप्शन डैशबोर्ड में आएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे तीनों स्ट्राइक प्राइस को और यहाँ से लॉक करेंगे, कामा देंगे और यहाँ पे फिर लिख देंगे 3, ये ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। फिर इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे और यहाँ पे हम लोग 1 कर देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट का हाइएस्ट 3 ओपन इंटरेस्ट का जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे आप लोग उनको एक सीक्वेंस नंबर में आ गया है। यहाँ पे पुट की ओपन इंटरेस्ट रहेंगे और यहाँ पे कॉल के ओपन इंटरेस्ट रहेंगे, तो हम दोनों को हाईलाइट कर देते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला लगाए हुए हैं इसको हम लोगों को 9:25 से 30 मिनट तक आप लोगों को मैनुअली एक बार कॉपी करना होगा, या आप लोगों को अगर भेवी में फार्मूला लगाना लिखना आता है प्रोग्राम तो वहाँ से आप लोग इसे ऑटोमेटेड कॉपी और पेस्ट का टाइम दे करके कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पेस्ट वैल्यू करेंगे ताकि ये मार्केट हावर्स में ये वैल्यू अगर चेंज भी हो जाए तो हम लोगों का जो भी एनालिसिस है इसी के बेस पे हो, ये मार्केट हावर्स में इसमें कोई चेंजेज ना हो। फिर इसके बाद हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी लास्ट ट्रेड प्राइस की और ओपन प्राइस की, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक ब्लैंक एक्सेल शीट की यहाँ पे क्रिएट किए हैं और यहाँ पे हम लोग आएंगे अपने ब्रोकर के टर्मिनल में और ब्रोकर के टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पे देखिए इंडेक्स एनालिसिस करके एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू में जाएंगे और यहाँ पे देखिए लिंक टू एक्सेल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। फिर इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पर कंट्रोल भी दबाना है आपको, यहाँ से पेस्ट नहीं करना है, यहाँ से हम कंट्रोल भी दबाते हैं। यहाँ पे देखिए एक वार्निंग आ रहा है, इसको इनेबल कर देना है और इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू गलत दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल एक्स दबा देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये मैच कर गया वैल्यू। फिर हम लोग को जहाँ पर लास्ट ट्रेड प्राइस लेना है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं LTP और यहाँ पर लिख देते हैं ओपन प्राइज। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसे पहले इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग ला करके लास्ट ट्रेड प्राइस को यहाँ पे पेस्ट फार्मूला कर देंगे और फिर यहाँ पे ओपन प्राइस यहाँ पे है तो इसे हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाएंगे हम लोग और इसे यहाँ पे फार्मूला के रूप में पेस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बी लिख देते हैं मैनुअली, इसको हम इसका यूज़ बाद में आप लोगों को बताएंगे और यहाँ पे भी बी लिख देते हैं और इसे हम लोग मार्क कर देते हैं जो कि हम लोग को मैक्सिमम टाइम इसकी आवश्यकता पड़ेगी येलो कलर से। फिर
फिर इसके बाद हम लोगों को, हम लोग यहाँ पे आते हैं 30 पे, 5 से हम लोगों को वैल्यू लेना है तो लगभग 20 पे 15 स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो स्ट्राइक प्राइस में हम लोग 20-20 पॉइंट के गैप में इसका रिकार्ड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 20 लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे F20 में, E20 में आते हैं हम लोग, और इसे हम लोग मार्क कर देते हैं किसी भी कलर से ताकि बाद में पहचान में आ जाए। फिर यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू राउंड, पहले यहाँ पे इफ एरर लगाएंगे, और राउंड के बाद फिर यहाँ पे हम लोग ओपन प्राइस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसी के बाद हम लोगों को इसे लॉक कर देना है। फिर यहाँ पे कामा देंगे, नहीं कामा नहीं देना, यहाँ पे ऑब्लिक देंगे, यहाँ पे A3 पे सेलेक्ट करेंगे जो कि 20 लिखा हुआ, इसे भी लॉक कर देंगे, और फिर एक कामा दे करके 0 लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, फिर इनटू देंगे, इनटू लगाने के बाद यहाँ पे A3 को सेलेक्ट करेंगे और इसे एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग से कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एक कामा देना है और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा जो कि इफ एरर का है, यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे आ गया हम लोगों का मिड वैल्यू जो कि मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे एक वैल्यू इसका राउंड फिगर में आ जाएगा, और यहाँ से हम लोगों को माइनस कर देना है इक्वल टू, इसे सेलेक्ट करेंगे माइनस A3, इसे हम लोग यहाँ पे लॉक कर देते हैं, यह F4 दबा देंगे और इसे ऊपर तक ड्रैग कर जाएंगे हम लोग। फिर इसको ये बाद नीचे यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ इक्वल टू E20 प्लस A3 करेंगे और A3 को हम लोग लॉक कर देंगे और एंटर दबा देंगे। इसे हम लोग लाएंगे 35 तक लाना है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का स्ट्राइक प्राइस आ गया, और यहाँ पे जो जिस इस प्राइस को जब हिट करेगा तो यहाँ पे हम लोगों की इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक 2 का डिफरेंस दे देते हैं इसके बीच में, इसलिए कि एग्जैक्ट ये कभी प्राइस नहीं आएगा मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस डाल दें कि अगर 2 पॉइंट प्लस या माइनस आए, जैसे यहाँ पे अगर 13380 है तो ये 13278 से 13378 से 13382 के बीच में अगर वैल्यू आती है तो यहाँ पे वैल्यू शो होना जाना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पे फिर फार्मूला लिखना पड़ेगा इक्वल टू, फिर यहाँ पे इफ एरर देंगे हम लोग, फिर सेलेक्ट करेंगे E5 को और यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे, और प्लस का सिंबल देने के बाद यहाँ पे हम लोगों को B3 पे सेलेक्ट करना है और B3 को हम लोग लॉक कर देंगे और एंटर दबा देंगे। पहले यहाँ पे कामा देंगे और डबल इन्वर्टेड कामा, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। फिर इससे हम लोग ड्रैग करके नीचे तक ले जाएंगे, और फिर यहाँ पे आप लोगों के ऊपर, यहाँ पे चाहें तो आप लोग 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, यहाँ पे बस चेंज कर देंगे, वैल्यू 3 कर देते हैं तो ये प्लस माइनस 3 में आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोगों को इक्वल टू लगाना है, और फिर यहाँ पे इफ एरर लिखेंगे, और फिर यहाँ पे E5 माइनस B3 है, इसे हम लोग यहाँ से लॉक कर देंगे, और फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा देंगे और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसे नीचे तक ड्रैग कर जाते हैं, यहाँ पे हम लोगों को ये लगभग तैयार हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इसका लास्ट रेट प्राइस का राउंड फिगर निकालना पड़ेगा 20 के मल्टीप्लाई में, यहाँ पे निकालेंगे इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे राउंड, फिर B2
ऑब्लिक ए थ्री कामा जीरो ब्रैकेट बंद करेंगे और इनटू ए थ्री कर देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग इसे एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, इफ एरर भी लगाना है, यहाँ पे इफ एरर लगा देते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोगों को एक कंडीशन देना है, यहाँ पे पहले इसको हाईलाइट कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक फार्मूला लिखना पड़ेगा हम लोगों को, इज इक्वल टू इफ एरर, और फिर यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे इफ यहाँ पे ए वन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ए रहेगा तो यहाँ पे कामा देंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू में हम लोग लिख देंगे ए फोर, और फिर यहाँ पे हम लोग कामा देंगे और वैल्यू ऑफ फॉल्स में कुछ नहीं रहेगा, और यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर कामा देंगे डबल इन्वर्टेड कामा और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसका यूज हम आप लोगों को बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पे आप लोग बस फार्मूले पे ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग को एक फार्मूला लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू इफ एरर, इफ एरर लिखने के बाद हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन देना है, यदि बी फोर यहाँ से इसे लॉक करेंगे इज इक्वल टू ई फाइव, यहाँ पे इफ एरर के बाद हम लोग को यहाँ पे कंडीशन देना है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे इफ लगाना होगा और फिर यहाँ पे हम लोग कामा देंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू में लिख देंगे वाई, फिर यहाँ पे कामा देंगे और कामा देने के बाद फिर एक कंडीशन देनी है इफ एंड, कंडीशन देंगे यहाँ पे हम लोग बी टू, इसे हम लोग लॉक कर देंगे, यहाँ पे छोटा हो या बराबर हो सी फाइव के, यहाँ पे हम लोग फिर कामा देंगे, लॉजिक दूसरे लॉजिक में लिखेंगे बी टू, इसे हम लोग लॉक कर देंगे, बड़ा हो या बराबर हो डी फाइव से, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके कामा देंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ ट्रू में वाई और वैल्यू ऑफ फॉल्स में एन, फिर यहाँ पे डबल ब्रैकेट देंगे कामा देंगे वैल्यू ऑफ एरर में यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट बंद करेंगे फिर एंटर दबा देंगे, फिर इसे हम लोग नीचे तक ड्रैग करते जाएंगे। फिर इसको हम लोग यहाँ से इस फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए, यहाँ पे फार्मूला बाद में यही रहेगा लेकिन बस इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट करके छोड़ देते हैं, बाद में यहाँ पे हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे। फिर इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो हम लोग फार्मूला लिखे हैं सही काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए लिख करके देखते हैं, यहाँ पे ए लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो 740 के राउंड ऑफ फिगर में जो प्राइस चल रहा है अभी वो यहाँ पे आ चुका है। फिर इसको हम लोग बी कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग प्राइस कुछ भी डालते हैं, जैसे यहाँ पे 13660 डाल देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वाई आ चुका है, इसे फिर हम लोग 13665 कर देते हैं, छोड़ देते हैं इसको। हम लोगों को यहाँ पे ये तैयार चुका है, अब हम लोगों को यहाँ पे ऐसे इसको लिखना पड़ेगा कोड कि जैसे अगर ये वैल्यू जो हम लोगों का लास्ट रेट प्राइस है अगर इससे छोटा हो जाए, अगर पुट साइड में, या तो यहाँ पे इसके आगे न कुछ आए, नहीं तो यहाँ पे सब फिल होना चाहिए, और यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू दिए हैं अगर जब भी इस प्राइस को फार्मूला लिखने के बाद जब भी इस प्राइस को हिट करेगा, जैसे यहाँ पे
13642 से 13638 के आसपास जब भी इसके बीच में प्राइस आएगा यहाँ पे सारे वैल्यू आ जाएंगे और नहीं तो ये ब्लैंक रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे इसके लिए इज इक्वल टू, पहले इफ इधर लगाएंगे हम लोग, फिर यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ का, यदि यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इफ हाई, यहाँ पे इसे लॉक करेंगे, अगर यह छोटा हो जो हम लोगों का हाईएस्ट ओपन थ्री हाईएस्ट ओपन टेस्ट में है, हम लोग एफ फाइव को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम लोग लॉक करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग कामा देंगे, अगर इससे अगर छोटा रहेगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इन्वर्टेटेड कामा और फिर यहाँ पे हम लोग कामा लगाएंगे और फिर यहाँ पे एक और फार्मूला लिखेंगे हम लोग इफ का, यदि B5 है यहाँ पे B5 इसे लॉक करते हैं हम लोग इज इक्वल टू वाई, तो फिर यहाँ पे कामा देंगे, अगर ये कंडीशन मैच करेगी वैल्यू ऑफ ट्रू रहेगा तो फिर यहाँ पे हम लोग लगाना होगा सम इफ का फार्मूला जो कि हम लोगों का प्राइस यहाँ पे चला है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम इफ फिर ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट देने के बाद फिर हम लोग आएंगे ऑप्शन चेन में और पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे स्ट्राइक प्राइस और यहाँ से इसे हम लोग लॉक कर देते हैं, फिर यहाँ पे एक कामा देंगे और फिर हम लोग आएंगे प्रीमियम डीके में और फिर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करना है एफ फोर फिर इसे हम लोग लॉक करेंगे, फिर कामा देंगे और आएंगे ऑप्शन चेन में और यहाँ पे जो लास्ट ट्रेड प्राइस हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम लॉक कर देते हैं, इसे लॉक करने के बाद यहाँ से हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं इसे और ब्रैकेट बंद करने के बाद फिर हम लोग को एक और कंडीशन देनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर पहले कामा लगाएंगे और आते हैं प्रीमियम डीके में, यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ, यहाँ पे जो A2 है इसे सेलेक्ट करेंगे हम लोग A2 इसे लॉक कर देते हैं इज इक्वल टू, यदि A आ जाए तो वैल्यू अप टू में, फिर यहाँ पे कामा देंगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेटेड कामा और फिर यहाँ से हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के बाद यहाँ फिर एक और कामा लगाएंगे हम लोग और यहाँ पे फिर लिखना होगा F5 और फिर यहाँ पे हम लोग F5 लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहाँ पे एक कामा देंगे डबल इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे और फिर इसका हम लोग यहाँ से नीचे तक इसको ड्रैग कर जाना है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालकर देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ जा रही है हम लोगों की, फिर इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे काल में फार्मूला लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग को वही फार्मूला लिखना है इज इक्वल टू इफ एरर लगाएंगे पहले, फिर यहाँ पे इफ का कंडीशन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे F5 इसे लॉक करेंगे F5 से हम लोगों को ये छोटा होना चाहिए यहाँ पे लिखना होगा F5 बड़ा हो I4 से, इसे भी हम लोग लॉक कर देते हैं, फिर यहाँ पे कामा देंगे वैल्यू अप टू में, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा देंगे, फिर यहाँ पे एक और कामा देंगे, फिर वैल्यू अप हाथ में, फिर यहाँ पे नया कंडीशन देंगे इफ का,
यदि बी फाइव, इसको भी हम लोग लॉक कर देते हैं, इक्वल टू वाई फिर यहाँ पे कमा देंगे, कमा देने के बाद यहाँ पे वैल्यू ऑफ टू में हम लोग लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट देंगे और फिर आएंगे हम लोग ऑप्शन चेन में, फिर पहले स्ट्राइक प्राइस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसे हम लॉक कर देते हैं, कामा देंगे, फिर आएंगे प्रीमियम डीके में और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आई फोर, फिर इसको हम लोग यहाँ से लॉक करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग कामा देंगे, फिर आएंगे ऑप्शन चेन में और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे लास्ट रेट प्राइस को कॉल साइड में, इसे हम लोग लॉक करेंगे और फिर यहाँ पे हम इसे ब्रैकेट बंद करते हैं, कामा देंगे, फिर एक और कंडीशन है, यहाँ पे आएंगे प्रीमियम डीके में, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ए टू को और इसे हम लोग लॉक कर देते हैं, ए टू इक्वल टू अगर ए रहेगा यहाँ पे ए कामा देंगे, वैल्यू ऑफ टू में कुछ नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा और फिर इसके बाद यहाँ पे कामा लगाएंगे और वैल्यू ऑफ फॉल्स में आई फाइव कर देंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे हम लोग, कामा देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे, फिर इसे यहाँ तक ड्रैग करेंगे और इसे नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे और इसको हम लोग ब्लैंक करना है तो यहाँ पे ए सेलेक्ट लिखेंगे तो ये सब डिलीट हो जाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आ चुकी है और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 680 है 13,700 करते हैं तो 13,700 की वैल्यू आ जाएगी और अगर नीचे की तरफ अगर 13,500 से अगर नीचे जाएगा तो 13,500 के पुट का जो प्राइस है वो नहीं रिकॉर्ड होगा, जैसे यहाँ पे 13,500 दिखाते हैं यहाँ पे आ रहा है लेकिन जैसे इसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस पे जाएगा तो ये तुरंत ही ऑटोमेटिक हट जाएगा। फिर वैसे ही अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 13,800 से अगर ऊपर जाता है तो 13,800 का भी नहीं रिकॉर्ड होगा, जैसे यहाँ पे 13,780 करते हैं यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड हो रहा है और फिर 13,800 पे करेंगे तो ये 13,800 भी रिकॉर्ड, 13,820 पे जब जाएगा तो ये 13,800 का रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ये वैल्यू है ये हमेशा चेंज होगी लाइव मार्केट में, जैसे आपका डेटा चेंज होगा वो वही वैल्यू यहाँ पे लाएगी। जैसे यहाँ पे हम आप लोगों को चेंज करके दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे जो लास्ट रेट प्राइस है यहाँ पे हम आईवी की वैल्यू डाल देते हैं जो कॉल साइड का है या किसी भी इसी आईवी की वैल्यू डाल देते हैं हम और इसे हम पेस्ट वैल्यू कर देते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं प्रीमियम डीके में और प्रीमियम डीके में आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो अभी इस समय जो प्राइस चल रहा है उसका देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, अब हम इसको लाते हैं प्राइस को 780 के आसपास, देखिए आपका यही प्राइस ओवरराइट हो जाएगा दोबारा 13,780, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है और ये वैल्यू भी देखिए आपका चेंज नहीं हुआ है। अभी आप लोगों को हम ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे लाएंगे, अभी इसको हम कर देते हैं 13,785 और दोबारा इसको हम अभी ये जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी तो देखिए दोबारा यही ओवरराइट हो जाएगा इस पर, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और फिर यहाँ पे लिख देते हैं 13,820, देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू आपकी ओवरराइट हो चुकी है। फिर इसके बाद हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे निकालना है इसका जो डीके होगा वो डिफरेंस, यहाँ पे एक ही वैल्यू है मार्केट क्लोज है इस वजह से, तो यहाँ पे हम लोग इसे क्या करते हैं बीच में या ऊपर हम लोग फार्मूला लगाते हैं इसके लिए,
तो हम यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी मार्केट अगर वो नीचे जाती है, जैसे यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 13,420 पे अगर प्राइस इसका होगा तो ये होना चाहिए आपका, मान चलिए पुट का सपोज देन 13,000 का अगर है तो ये मान चलिए कि 30 रुपये हम एक बस, और यहाँ पे अगर आता है तो मान लीजिए 33 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे नहीं सॉरी फ्रेंड, हाँ सही है, फिर यहाँ पे अगर आता है तो मान चलिए 38 हो जाएगा। फिर वैसे ही हम लोग कॉल का भी एक डमी ले लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे अगर पहले तो यहाँ पे रहेगा तो मान चलिए यहाँ पे 30 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा मार्केट तो 33 और यहाँ पे आएगा 38, फिर यहाँ पे हम लोग डिफरेंस इसका फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू इफ एरर फिर एक कंडीशन देंगे इफ की ब्रैकेट देंगे फिर लिखेंगे यहाँ पे यप 6 माइनस यप 5 इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा देंगे, फिर यहाँ पे एक कामा लिखेंगे और फिर यहाँ पे लगाएंगे इफ कंडीशन और फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे यप 6 इक्वल टू 0 फिर कामा देंगे, लॉजिक दूसरे में लिखेंगे यप 5 इक्वल टू 0 फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे कामा लगाएंगे और वैल्यू आप ट्रू में लिख देंगे कुछ नहीं। अगर यहाँ पे कहीं भी 0 होता है तो ये इसको माइनस न करे। फिर यहाँ पे हम लोग को वैल्यू ऑफ हाउस में लिखना है यप 6 माइनस यप 5 और यहाँ पे कामा देंगे, इस पर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देना है 2 बार और फिर यहाँ पे कामा दे करके डबल इन्वर्टेड कामा और फिर ब्रैकेट दे करके और एंटर कर देंगे, और इसी को हम लोग यहाँ तक ड्रैग कर जाएंगे और इसे नीचे तक। फिर उसी प्रकार हम लोग को काल का फार्मूला लिखना पड़ेगा, काल का हम लोग लिखेंगे एक पॉइंट नीचे से, यहाँ पे लिखना हम लोग को इफ पहले यहाँ पे इक्वल टू देंगे इक्वल टू इफ एरर फिर ब्रैकेट देने के बाद फिर कंडीशन देंगे इफ यहाँ पे i5 - i6 = 0 अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा देंगे ताकि यहाँ पे कुछ भी ना आए, फिर एक कामा देंगे फिर यहाँ पे एक इफ और का फार्मूला लगाएंगे इफ और यहाँ पे ब्रैकेट दे करके फिर यहाँ पे हम लोग कंडीशन देना है अगर i5 = 0 या फिर i6 = 0 ब्रैकेट देंगे यहाँ पे कामा लगाएंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा वैल्यू ऑफ ट्रू में कुछ भी ना आए, फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स में हम लोगों को लगाना है i5 - i6 फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कामा फिर ब्रैकेट दे करके एंटर कर देंगे, फिर हम लोगों को इसे भी ऐसे ड्रैग कर देंगे और इसे नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे। यहाँ तक हम लोग का लगभग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो हमने फार्मूले को मिस्टेक किए हैं इसको हम लोग ऐसे करके सही कर देंगे ड्रैग करके। यहाँ पे आप लोगों का जब भी ये
कंडीशन फुलफिल होगा, यहाँ पे आप लोगों का प्राइस ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता रहेगा। आप लोगों को इस चीज़ को यूज़ करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कभी भी लाइव डेटा में ही ये वर्क करेगा। तो इसको अगर आप लोगों को यूज करना है तो अपने ब्रोकर के टर्मिनल से डेटा लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ तक आप हम लोगों का ऑटोमेट हो चुका है। फिर यहाँ पे आप लोग चाहें तो कॉल का एवरेज प्राइस निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे लिख देंगे कॉल और यहाँ पे लिख देंगे पुट। यहाँ पे आप लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की यहाँ पे सम करके एवरेज निकाल करके ऊपर, जैसे उदाहरण तौर पर हम बताते हैं इक्वल टू, और यहाँ से इसे हम लोग नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसे हम लोग यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक इफीरियर का फार्मूला लगा देते हैं। और फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पुट का अलग सम कर लेंगे, पुट का सम अलग कर लेंगे और कॉल का सम अलग कर लेंगे। चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल टू एवरेज निकाल देंगे, पहले इफीरियर लगा देते हैं हम लोग। कॉल का निकालने के लिए हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर यहाँ पे एक कामा दे करके डबल इन्वर्टेड कामा और यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा। कॉल में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। फिर इसको यहाँ पे इक्वल टू इफीरर और फिर इसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम लोग इसे यहाँ से और नीचे तक, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, एवरेज हम लोग डालना भूल गए हैं, यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ चुकी है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू इजीली दिख जाएगा। हम आप लोगों को एक सीक्वेंस उदाहरण दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि पुट का प्राइस आप लोगों का सपोज देन 33 है, नीचे जाएगा तो मान चलिए कि ये 38 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मान चलिए कॉल के आप लोगों का है प्राइस 35, यहाँ पे अगर आता है तो ये हो जाएगा 30। और फिर यहाँ पे मान चलिए फुट का प्राइस है 50, यहाँ पे जाने के बाद हो जाए 56। जैसे हम लोग कॉल का भी यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे मान चलिए कि प्राइस आप लोगों का 44 और यहाँ पे रहा होगा 50। तो ऐसे दोनों का लगभग एवरेज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर तक हम लोगों का लगभग कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट मॉर्निंग ओपन होता है तो वहाँ पे आप लोगों को 9:20 या 9:25 पे आप लोगों को सबसे पहले इस वैल्यू को यहाँ से कापी करना है ऐसे, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में कर देंगे। वैल्यू बस यहाँ पे पेस्ट करनी है पहली बार, और फिर वैल्यू पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे जो आप लोगों का लिखा हुआ है बी, इसको आप लोग ए कर देंगे। ए करने से यहाँ पे जो लास्ट ट्रेड प्राइस चल रहा होगा अगर उसके पास पास आप लोगों का प्राइस होगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे अगर 13,785 पे अगर मार्केट होती तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, ये सब ब्लैंक हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ बस मैनुअली बी टाइप कर देंगे। तो फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो भी जब भी इस प्राइस के आसपास जब हिट करेगा मार्केट तो यहाँ पे आप लोगों का प्राइस ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता रहेगा और यहाँ पे आप लोगों का एवरेज निकल के आता रहेगा। फिर इसी एवरेज प्राइस को आप लोग हर 15 मिनट पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ VBA में काम करना होगा, जहाँ से आप लोग 15 मिनट में रिकॉर्डिंग करेंगे वहाँ पे जैसे हर 15 मिनट पर जब मार्केट जब रिकॉर्ड होगा प्राइस
तो वहाँ पे इसको ऑटोमेटिक लिखना होगा कि जब रिकार्ड इस प्राइस एवरेज प्राइस को रिकार्ड करने से पहले यहाँ पे एक बार ए लिख करके आ जाए ऐसे, और फिर ए लिखने के बाद जैसे जिस भी प्राइस के आसपास होगा वहाँ पे एक वैल्यू वहाँ पे ऐड हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, और फिर वहाँ करेंट जो भी प्रीमियम लिखा होगा उस समय आप लोगों को दिख जाएगा, फिर यहाँ पर बाद में बी लिख करके आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर करना होगा काम, ये VBA में आएंगे हम लोग, और यहाँ पे हम न्यू मॉड्यूल 3 में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सब, और फिर यहाँ पे प्रीमियम डीके लिख देते हैं, या प्रीमियम डीके इंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे सीट्स, यहाँ पे डबल नोटेड कॉमा ब्रैकेट देंगे डॉट रेंज, फिर यहाँ पे A1, डॉट वैल्यू इक्वल टू A, फिर से हम लोग रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए आ गया है। फिर इसके बाद हम लोगों को इसका एवरेज प्राइस जो यहाँ पे है इसको हम लोगों को कापी करना होगा, जहाँ भी चाहें आप लोग कापी कर सकते हैं, डेटा कापी है, तो यहाँ पे हम इसे डेटा कापी को हम लोग उठा लेते हैं और इसको डाल देते हैं यहाँ पे। जब डेटा कॉपी हो जाएगा तो ठीक इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी, और डेटा कॉपी में एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड होता है तो सिंपल सा काम करना, जैसे यहाँ पे IB का लिया गया है इसे हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, तो यहाँ पे बस इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे और हम लोग आएंगे प्रीमियम डीके में, यहाँ पे कॉल का यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे और ठीक उसी तरह से यहाँ पे पुट का हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पे लिख देंगे कॉल और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पुट, और जब भी ये डेटा इसी के साथ में आप लोगों का रिकॉर्ड होता रहेगा, लेकिन आप लोगों को इसके एनालिसिस के लिए ध्यान रखना होगा टाइम फ्रेम 15 मिनट रखेंगे और लाइव डेटा के साथ यूज करेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसे टाइम के साथ अगर फुली ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आप लोग चाहेंगे तो इसमें टाइमर लगा करके और यहाँ पे आप लोग इसको ऑटोमेटेड यहाँ पे टाइम डाल देंगे 9:30 पे, अगर ये यहाँ पे जो डेटा इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देगा, और जब भी डेटा कॉपी होगा तो यहाँ पे आप लोगों का ए लिख करके और बी लिख करके ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं। इन दोनों को हम यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे मैनुअल कुछ वैल्यू लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे 20 लिखती है और यहाँ पे -20 और यहाँ पे -10 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम VBA को रन करा देते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बी लिख करके आ गया है, और यहाँ पे वाई एनालिसिस में आते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया इसे सही करना पड़ेगा। यहाँ पे यस और टी है जो कि हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एक्स किए हैं तो हट गया है फार्मूला, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यस और टी सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर VBA को रन कराते हैं, यहाँ पे वैल्यू से नहीं आ रहा उसमें देख लेते हैं, कुछ फार्मूला मिस्टेक है उससे हम सही कर देते हैं। यहाँ पे D1 से यहाँ पे हम लोगों को D2 में पेस्ट करना है, और फिर यहाँ पे हम लोगों को D2 से P2 सेलेक्ट करना है और इसे हम लोग पेस्ट करेंगे D3 में या D4 में भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे
ये रन करेगा फार्मूला। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसे रन करा के चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वैल्यू इजीली आ जा रहा है। इसे हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने फिर इसे हम लोग रन करा के टेस्ट कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जा रही है। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे मॉड्यूल टू में और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जिस नाम से उन लोगों का था प्रीमियम डीके PRE TACAY। इसी का हम लोग का नाम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं जिस भी नाम से आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट करके और छोड़ देंगे। और जब भी हम लोग वहाँ पे टाइमर रन करेंगे अपने यहाँ से स्टार्ट टाइम पे, तो यहाँ पे हम लोगों का जो भी डीके होगा इसी के साथ आप लोगों का रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सेटअप हम लोगों का लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जो भी फार्मूला है इसे हम लोग यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे जो डिलीट किए थे इसे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसका कोई हम लोग पास यूज नहीं, इसे हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। और फिर इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे एवरेज का जो लिए हैं इसे हम बस आप लोगों को वैल्यू दिखाने के लिए यहाँ पे कर दिए थे, इसे यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर देंगे। और इसे यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, इसे हम लोग डिलीट कर देंगे। ये सेटअप लगभग कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही मार्केट में आप लोग यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे जब आप लोग इसको यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे और जब आप यहाँ पे ए लिखेंगे तो इसमें जो भी पहले का ओल्ड डेटा होगा सारा डेटा यहाँ का डिलीट हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पे आप लोग बी लिख देंगे तो बी लिखने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा सारा डेटा बनने लगेगा और आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट आने लगेगा। ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट पर हमने बनाई है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी है जो कि इस वीडियो में जो भी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की गई है वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप लोग हमारे किसी भी सेटअप पे कोई भी बाय या सेल न करें। आप लोग किसी भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लें, उनके बेसिस पे अपना ट्रेड लें। नेक्स्ट वीक में हम आप लोगों के लिए एक ऑप्शन चेन का इंडिकेटर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो काफ़ी रिलायबल होगा, उसकी एक्यूरेसी 90% है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप लोगों को अगर आप लोगों के पास कोई चैनल के लिए कोई सुझाव है तो आप लोग उसे भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, हम उसे ज़रूर दूर करेंगे। यदि आप लोगों को इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं, उसे हम अगली वीडियो में दूर करेंगे। वैसे यहाँ पे जो भी लॉजिक बताएं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरी तरह से इसे अच्छे से समझ करके उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। और यहाँ पर आप लोगों को एक सेटिंग करना होगा जो कि यहाँ पे आप लोग फाइल में आएंगे और हमारा ऑफिस 2019 है तो आप लोग का भी वही होगा तो शायद सिमिलर फंक्शन रहे। यहाँ पे ऑप्शन में आएंगे और यहाँ फार्मूला में आने के बाद अगर यहाँ पे आप लोगों का इनेबल इंटरेक्टिव कैलकुलेशन अगर ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे आप लोग इसे ऑन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग यहाँ पे इसको मैक्सिमम इंटीग्रेशन डाल दीजिएगा 9000 का और फिर यहाँ से आप लोग इसे ओके कर लीजिएगा। इससे आप लोगों का इसमें जैसे फार्मूला कुछ इसमें एरर आता है तो आप लोगों का एरर हट जाएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।